आज आपको मुलाकात कराएंगे देश के जवान जिन्होंने पहले बॉर्डर पे देश की रक्षा की, उसके बाद बहुत अच्छे लेखक जिन्होंने सरसोपुरम जी, महाराज प्रताप और अन्य नागरियों रचना भी की और बड़े अच्छे गाने वाले भी हैं, मुलाकात करवाते हैं भाई जगदीश सिंह जी खेड़ी जट। तो आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है आपके निजी कंपनी सर। धन्यवाद कौन भाई, आपको भी और सभी श्रोताओं को हाथ जोड़ के मेरी तरफ से नमस्कार है और सबसे बड़ा धन्यवाद आपका मैं इसलिए करता हूँ आपने हमारे को इस लायक समझा कि आप एक इतने बड़े चैनल के माध्यम से हमारा प्रचार प्रसार करने के लिए आप इतना समय निकाल के हमारे पास आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है आर के म्यूजिक कंपनी के होने। तो श्रीमान सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं कि आपका गुरु जी कौन थे इस विद्या में? इस विद्या के गुरु जी हैं मेरे परम आदरणीय गुरु रणवीर सिंह बड़वासनिया जी। तो आपने 1990 में रणवीर बड़वासनिया को दान किया? हाँ जी। तो जो आजकल हमारी संस्कृति हरियाणवी रागनी की है, इसके भविष्य के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए भविष्य का तो आज जो दौर चल रहा है, एक दूसरे की टांग खींचना स्टेज के ऊपर, एक दूसरे की जो है बेइज्जती करना, जो मर्जी माइक में किसी के खिलाफ बोल देना, ये भद्दा प्रदर्शन है। क्योंकि हमने वो दौर भी देखा है जिस दौर के अंदर ये रनपाट भी होया करते और पूरी पूरी रात के प्रोग्राम भी होया करते कई कई कलाकारों के, लेकिन वो एक दूसरे को अब सबक या उसको नीचे दिखाने की कोशिश नहीं कराया करते, वो अपना प्रदर्शन दिखा के जनता के अंदर अपनी एक छाप छोड़ा करते। मतलब उनकी जो लड़ाई थी वो वकीलों वाली लड़ाई थी, स्टेज तक लड़ाई होती थी, स्टेज से नीचे की लड़ाई नहीं होती थी। बिल्कुल वकीलों वाली लड़ाई थी, स्टेज की लड़ाई तो खैर आज भी है, लेकिन उस स्टेज के ऊपर वो स्टेज पर लड़ा करते एक सभ्य तरीके से, वो अपनी कला दिखा के दूसरे को डाउन कराया करते। आज क्या है कि उसको डाउन करने के लिए लंबी लंबी कहानियां उसके खिलाफ, उसके परिवार तक भी गलत बोल दिया जाता है, ऐसे ऐसे भी कलाकार हैं। तो मतलब ये तो बड़ा ही गलत है। अच्छा आप मोदी साहब मुझे बताइए कि जो पुराने गाने वाले थे हमारे, आपने किस किस गाने वाले सुने? मैं जी इस लाइन में 1982 और 83 के आसपास मैं इस लाइन में आ गया था जी। उस समय मासी पालेराम जी, बाबू राम दैया और राजकिशन अगवान प्रिया, जगबीर कारोरिया और रमेश कलाविया ये मार्केट में थे जी। और मास्टर सतबीर जी उस टाइम इस दौड़ में थे, वो इनकी तरह मार्केट में क्लियर नहीं थे। मतलब मास्टर जी से बाद में ग्राउंड में आए, मतलब पहले रेस में नहीं थे? हाँ, वो उस समय 1982 और 83 में मास्टर जी इनकी तरह मार्केट में जो नहीं थे, उसके बाद में वो आए हैं। वो उस समय एक दो राग नहीं वो सुनाया करते, वो हमने हमारे पास ही वो बना गाँव है वहाँ पे, मेरे को अच्छी तरह याद है वहाँ पे जो है सर्दियों का प्रोग्राम था, वहाँ पे राजकिशन, जगबीर कारोरिया, मासी पालेराम जी, बाबू राम दैया, रमेश कलाविया और मास्टर सतबीर जी आए थे वहाँ पे। तो उस समय मास्टर जी सतबीर जी उन्होंने एक ही रागनी गाई थी, वो भी लोगों ने उनको नकार दिया था, उनकी सुनी नहीं पूरी रागनी जी। तो इसलिए मैं कहता हूँ उसके बाद में मास्टर जी जो है निखरे हैं और इस मार्केट में आए हैं जी। तो उन पहले गाने वाले में आपको कौन सा गाने वाला बड़ा अच्छा लगा? उस समय जो है सबसे अच्छा गाने वाला तो राजकिशन अगवानपुरिया थे और उसके बाद मासी पालेराम जी, जो कि आज तक भी वो उसी लहजे से उसी सुर में गाते हैं और उम्र का तकाजा तो होता ही है, ये तो आप इस चीज़ को जानते हैं। बाकी ये दो कलाकार हमारे बिल्कुल फेवरेट रहे हैं और बहुत ही अच्छा गाते थे। जैसे उसके बाद 90 के और 2000 के बीच में एक दौर आया रागनी कंपटीशन, तो उस दौरान के आप किस कलाकार को अच्छा मानते? 90 के दौर में फिल्मी दौर था वो, और उस समय नए कवियों को जो जगह भी दी गई थी और कुछ कवि
चौधरी ऐसे भी थे जिन्होंने बहुत बहुत अच्छी रचनाएं करी और सभी कलाकारों ने चाव से गाया भी और जनता ने उसको पसंद भी किया। और उस समय एक जोड़ी हुआ करती हमारे परमादरणीय गुरु रणवीर सिंह बड़वासनिया जी और राजेंद्र खरकिया जी, इनका उस समय एक ओरिजिनल रन काट होता था, इनको कहने की जरूरत नहीं थी जी, ये अपनी मर्जी से ही अपने अपने रंग तैयार करके लिए गाया करते और जनता के सामने अपने हिसाब से गाते थे, जो कि लोगों ने इनको प्रोग्राम भी दिए इसी वजह से कि ये असली रंग काट करते थे और सभ्य गाते थे जी, नई नई तर्जे लेके आते थे। और रणवीर को तो उस समय धर्मेंद्र के नाम से मतलब लोग कहने लगे थे कि इस समय का धर्मेंद्र है जी, लेकिन राजेंद्र खरकिया जी की एक अलग पहचान थी, वो थी सुरीले पड़ की जी, बहुत ही पैनी और सुरीली आवाज थी इनकी और बहुत ही नए नए रंग लेके ये भी आए और लोगों ने इस जोड़ी को बहुत लंबा चलाया जी। हाँ, ये दो हमने देखा आगे तो लगभग आगे कहते थे कोई इस रंग का भी पापा उड़े पड़ गया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, दोनों को मतलब मेहनत यही थी और यादगिरी भी थी, नए कवियों की भी इन्होंने गाई लेकिन पुरानी रागिनियों पर जो इन्होंने रंग सेलेक्ट करे थे वो एक काबिल तारीफ था। नहीं, अब जो ऐसे दौर आ गया तो ये लगभग तरत सेट करते थे पुराने गाने पर, आजकल जो ये गाना करते हैं तो ये देशी आंटो देशी, क्योंकि मेरे ख्याल से ये गाने वाले इससे गात नहीं बचा रहे। बिल्कुल सही बात है, कुछ गाने वाले तो सिर्फ बेकार की भाषणबाजी करते हैं, एक एक घंटे में एक रागिनी गाते हैं, वो कोई गाना नहीं है। गाना होता है क्योंकि उसको बुलाया गाने के लिए, उसको वार्ता भी होती है, वार्ता भी एक सीमित होती है, उसको सिर्फ एक ये बताया जाए अब ये रागिनी उस मौके की है और ये इस तरीके से पुराने ने ये कहा उसने कहा तो उस समय की रागिनी इस तरह से मतलब सीमित वार्ता होनी चाहिए, जिसमें बहुत लंबी लंबी वार्ताएँ देते हैं वो एक दो कलाकार हैं जो कि इसको अलग डाइवर्ट कर रहे हैं प्रोग्राम को, अब वार्ता देने से ही हम संस्कृति के ठेकेदार बन जाएंगे या संस्कृति को हम आगे लेके जाएंगे, ऐसी संस्कृति आगे नहीं जाती है, संस्कृति जाएगी गाने से, आप गाना सुनाइए अपनी कला दिखाइए, वार्ता भाषणबाजी से कोई कलाकार नहीं बनता। हाँ, क्योंकि अब जैसे जैसे मैंने अपने रिकॉर्ड करे कम्पिटिशन 1992 के 90 के मैं छोटा सा इसका लगा था तो मैंने लाखों लाखों की भीड़ देखी है, जैसे दिनोर कॉम्पिटिशन था अपना ये डिगल कॉम्पिटिशन था, गलोर कॉम्पिटिशन था, तो बड़े मशहूर कॉम्पिटिशन होते थे, दिनोर कॉम्पिटिशन में लाखों की भीड़ आती थी, लेकिन आज जब हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आदमी 100-150 बड़े मुश्किल से मिलते हैं, तो इसके लिए आप किसको दोषी मानते हैं? देखिए इसमें क्या है कि एक तो हमारी जो गाने वालों की आपस की छींटा कसी इसका भी एक दुष्प्रभाव गया है, दूसरा इसको जनता की भीड़ कम होने का मैं तो यही मानता हूँ, अब जो आज ये मीडिया का जो जमाना आ गया है कुछ परसेंट लोग क्या सोचते हैं चलो ये तो यूट्यूब पे आ ही जाएगा जी, अपना काम भी क्यों उठा, पहले ये जमाना था नहीं, नहीं ये बात आपकी सही है, लेकिन मैंने और जैसे दूसरे कलाकारों के प्रोग्राम होते हैं जैसे खरकियों के प्रोग्राम है या सपना के प्रोग्राम में तो भीड़ बहुत ज़्यादा आती है, ये कैसे इनके यूट्यूब पर क्यों नहीं देखी जा रही? हाँ, ये बात भी आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या है कि हमारे जो श्रोताओं की जो सोच है वो आजकल जैसे फिल्मी दुनिया जो है अपना बॉलीवुड की जो के जो सिंगर हैं जी, उनको आज की जनरेशन ज़्यादा पसंद करने लगी, और जो ये आपने बताया राजेंद्र खरकिया जी हैं, भाई भीमपाल जी हैं, सपना चौधरी हैं, ये तकरीबन ज़्यादा नहीं तो 90% उसी की तरफ लेके जा रहे हैं अपने इस गाने को, तो इसलिए भी नई जनरेशन ज़्यादा जाती है वहाँ पे जी, और जो पुराने श्रोता हैं पंडित लक्ष्मी चंद जी हैं, मांगेराम जी हैं, शहीद कवि वीर सिंह जी हैं, बाजे भगत हैं, और भी जो मुंशीराम जानी जी हैं, इनकी रचनाओं को सुनने वाले वो एक श्रोता का अलग से एक सही बढ़ गया। आपकी बात सही है, लेकिन वीरपाल जी है या राजेंद्र जी ज़्यादातर मैंने गाते हैं लक्ष्मीचंद की और मांगेराम जी की, वीर सिंह जी की और जानी वाले मुंशीराम जी की, लगभग लगभग गणिया ये सभी गाते हैं, अब इनके गाने में जो आज के दौर में वो अश्लीलता नहीं मैंने तो देखी।
नहीं, बिल्कुल नहीं है। वो अश्लीलता, हम उसको अश्लीलता नहीं कह सकते। हम अश्लीलता उसको मानते हैं जो डीजे सॉन्ग के ऊपर जो लेडीज हमारे आउट ऑफ हरियाणा से जो आई है जी जी, जो लेडीज वो आके डीजे सॉन्ग के ऊपर जो अश्लील डांस करती हैं जी जी, मैं उसको अश्लील मानता हूँ, गाने को अश्लील नहीं कह सकते हम जी जी। क्योंकि कोई भी लेडीज गाना गाती है वो एक कलाकार है, न कि वो एक ऐसे लगाती, वो मौके को देख के रागनी भी गाती हैं। 99% तो लड़कियां जो हमारी हरियाणा से हैं या उत्तर प्रदेश से हैं वो पुराने कवियों की रागनियां गाती हैं, तो उसको हम अश्लील नहीं कह सकते। अश्लील हम उसी को कहेंगे जो डीजे सॉन्ग के ऊपर जो गाने हैं या हरियाणवी गाने जो अलग कुल मिला के आपका कहने गाती है, जो हरियाणवी हमारे पॉप सॉन्ग आए हैं उन्होंने संस्कृति का बेड़ा खराब करा, उनके कुछ बोल भी बड़े खराब हैं और उनके पर अश्लील डांस होता है, आप उसको अश्लील मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमारे कवि जो आजकल ये हरियाणवी गाने लिखते हैं उन्होंने लिखते समय ये चीज़ें देखनी चाहिए कि इसका क्या प्रभाव जाएगा हमारी जनता के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर। तो वो लिखने वाला अगर सही लिखेगा तो वो सही तरीके से ही गाया जाएगा जी जी, और जो गाने को गाता है स्टेज के ऊपर वो कलाकार है न कि वो अश्लील है। बिल्कुल हाँ, और जो लेडीजों के प्रति एक हमारे पड़ोस में ही है भाई, बहुत उसकी जो है एक तरफ से मतलब उसको नकारता है काले गए पड़े करके जी, मैं उस चीज़ को कभी भी मतलब उसका समर्थन नहीं करूँगा, क्योंकि काला बैग टांग के लेडीज का एक वो श्रृंगार मानते हैं उसको जी जी, क्योंकि कोई भी लेडीज जो गाना नहीं गाती होगी तो बैग रखती है। बिल्कुल सही बात, वो अलग अलग कलर के रखती होंगी, कोई कोई काला बैग रखती है, कोई लाल रख लाल रख ले। बिल्कुल हाँ, तो ये एक जो उन्होंने एक तरफ से छाप छोड़ी काले बैग वाले, उन्होंने संस्कृति का भट्ठा बैठा दिया, मैं उनका समर्थन कभी नहीं करूँगा। हमारी संस्कृति का भट्ठा बैठाया जो डीजे के ऊपर वहाँ असली डांस करती है उन्होंने, जो गाती हैं पुरानी गायिका भी हमारी रही है जिन्होंने संस्कृति को यहाँ तक लेके आई, नई गायिका भी हैं जो कि जेंट्स कलाकार भी उनके बराबर गाना नहीं गा सकते, वो इस तरह की भी लेडीज कलाकार हैं, प्रियंका चौधरी है जो बहुत ही सुरीली और बहुत ही सभ्य गाती है, तो क्या वो काला बैग लेके नहीं चलती? नहीं, सही बात है, काला बैग तो आपने बताया कि लेडीज के श्रृंगार की निशानी है, वो तो हमारे घर की बैंड बेटिया भी लेके चलती, सभी की चलती। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इस तरह की मानसिकता के लोगों से पता लगता है वो नारी के प्रति उनके मन में क्या सम्मान है, उनकी मानसिकता ये पता लगता है जी। इस तरह नहीं, फिर लगभग एक महीने मेरे दौर में जैसे राजकिशन जी थे, ये तो मेरे से पहले हो गए, लेकिन उसके बाद जैसे लगभग दौर के एक मास्टर जी को तो मैंने शायद गाते हुए नहीं देखा, नहीं तो लगभग गाने वाले शायद रमेश कलावड़िया जी मैंने नहीं देखे, नहीं तो मैंने लगभग गाने वाले लेडीज के साथ गाते थे। बिल्कुल, वो ड्यूट की रागनियाँ होती थी पुराने कवियों की, जो रचनाएं थी वो आज भी हैं रचनाएं तो, और उन्होंने उसमें कोई भी अश्लीलता या कोई इस तरह की बातें शामिल नहीं करी, वार्ता जिस समय की रागनी वो ड्यूट की बनाई गई वार्ता वहीं तक सीमित रही। उसमें माशे पालीराम जी हैं और भाई रमेश कलावड़िया जी हैं और मास्टर सतबीर जी हैं जी, इन्होंने और बाबूराम दैया जी, इन्होंने लेडीजों के साथ नहीं गाया, कभी नहीं गाया इन्होंने। और राजकिशन जी ने भी एक मैंने गाया ऑडियो में सुना है, लाइव तो मैंने नहीं देखा, उन्होंने सब बेकार रखा है बिल्कुल, तो वो कोई संस्कृति लेडीज का मतलब संस्कृति से खराब है थोड़ी, ये बात तो आप सही है। हाँ, लेडीज की संस्कृति खराब तो जेंट्स कलाकार भी कर सकता है अगर किसी वार्ता को ऐसे कर देगा। अब देखो पंडित लक्ष्मीचंद जी की एक रचना थी जो कि उन्होंने मतलब रशिया के शब्द उसमें सेट करे थे, तो वो रागनी महाशिव पालीराम जी ने गुरुवार रखी है, मास्टर सतबीर जी ने गुरुवार रखी है, और उसमें उन्होंने वो वार्ता इस तरह से दी थी। एक भाई हमारा मेरा गुरु भाई है जी, उन्होंने पंडित लक्ष्मीचंद जी को कोठे पर ले जाके बैठा दिया वार्ता में, तो क्या ये सब है? ये वो कौन सी रागनी थी? वो बोल मेरे को भी पूरे याद नहीं है, वो रशिया के उसमें था। हाँ, वो ब्रज भाषा पंडित लक्ष्मीचंद जी कोठे पे गए थे, वहाँ उन्होंने वो जो ना ब्रज भाषा में गा रहे थे, उस रचना को देख के उसी शैली में उसी तर्ज में उन्होंने रागनी इस तरह से गाई। ये एक तरीका ठीक नहीं है अपनी वाह वाही लूटने के लिए, एक इतने महान कवि के बारे में
इस तरह के शब्द पिरोना बहुत गलत संदेश है। तो क्या ये जेंट्स कलाकार नहीं पिरो रहे, क्या संस्कृति खराब नहीं कर रहे, ये कितने बड़े महान कवि को कोठे पे ले जाना मैं मानता हूँ बहुत गलत है। तो आज के दौर के गाने वाले हैं, इनमें आप किन किन कलाकारों को अच्छा गाना पड़ेगा? इसमें कई कलाकार बहुत अच्छे हैं। भाई नरेंद्र डांगी है अपने हरियाणा से जी, जो कि बहुत उच्च कोटि के कलाकार हैं, बहुत ही सभ्य गाते हैं, और तकरीबन जिस जहाँ ये प्रोग्राम करते हैं वहाँ पे कोई इनकी खिलाफत नहीं करता जी। इससे पता लगता है कलाकार बहुत ही अच्छा है। उसके बाद एक मास्टर सुरेश अरोली हैं उत्तर प्रदेश से, बहुत ही सभ्य उच्च कोटि के कलाकार हैं, बहुत ही नम्रता से गाते हैं, और कलाकार वही होता है जो स्टेज के ऊपर अपना अच्छा प्रदर्शन करे और गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करे और लंबी वार्ता ना दे। वार्ता एक सीमित होती है क्योंकि गाने के लिए स्टेज दिया गया है, ना कि वहाँ वक्ता के कलाकार स्टेज है। वक्ता के स्टेज अलग होते हैं। तो कई कलाकार ये सोचते हैं मैं बहुत बड़ी वार्ता दे के बहुत अच्छा कलाकार हूँ, वो उनका अपना मन अपने मन की वो सोच है मैं बहुत अच्छा कलाकार हूँ, वो तो मैं भी अपने आप सोच के बैठ जाऊँ अपने घर में, अब मेरे से ऊपर कोई है ही नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, कलाकार तो कलाकारी दिखाएगा स्टेज पे, लोग अपने आप ही उसको अच्छा कहेंगे, अपने मुंह से जो बड़ाई करेगा वो कभी कलाकार नहीं हो सकता। तो आप मुझे साहब मुझे बताइए, आपने भारतीय फौज की भी सेवा की, तो आपको ये इस लाइन में आने का चस्का कैसे है? ये मेरे को जब मैं पढ़ता था उस समय से ही मेरे को इस लाइन का एक शौक लगा था। भाई नरेश उर्फ ने से पासों से हैं, मेरे से 2-2.5 किलोमीटर गाँव हनुमा, और उनसे सुन के मेरे को शौक लगा। हम जब छोटे छोटे थे वो मेरे गांव में आते थे और बहुत ही अच्छा गाते थे, उनको हम दूसरा राजकिशन प्यार करते क्योंकि राजकिशन की तरह ठहरा हुआ गाना था उनका, और बहुत ही अच्छी गाइडलाइन थी, किसी को गलत शिक्षा उन्होंने कभी नहीं दी। तो उनको देख के मेरे को शौक लगा। तो उसके बाद मैं 1985 के अंदर मेरे गांव में नेहरू युवा क्लब केंद्र उसका एक सांस्कृतिक प्रोग्राम करवाया गया था, तो उसमें कम से कम 8-10 कलाकार यहाँ बुलाए गए थे। तो उसमें मेरे को बेस्ट कलाकार का यहाँ पे एक सर्टिफिकेट दिया गया था, वो आज भी मेरे पास रखा हुआ है जी। तो उससे मेरे को थोड़ा बढ़ावा मिला, तो फिर मैं गाने लग गया इसमें। तो उसके बाद 1988 में मैं फिर मैं फौज में भर्ती हो गया BSF में। तो 20 साल 6 महीने मैंने BSF में देश की सेवा करी, और वहाँ से वॉलंटियर रिटायरमेंट आके मैंने 2008 में 31 दिसंबर को BSF से रिटायरमेंट लिया, और 2009 जनवरी से मैंने कम से कम 2.5-3 साल कंटिन्यू अपनी पार्टी में रखी, और स्टेजों पर मेरे को गाने का अच्छा मौका भी मिला, अच्छे अच्छे स्टेजों पर भी मैं गया, और कई कई कलाकार जहाँ होते थे वहाँ मेरे को गाने का मौका मिला जी। एक प्रोग्राम तो आपने भी आपके चैनल पर है, बिलोटा कंपटीशन था। हाँ, मैंने बिलोटा कंपटीशन कार्यक्रम में मिला था, 2006-07 का प्रोग्राम होगा। हाँ, 5 या 6 के आसपास का उस दिन मैं ऑन ड्यूटी था जी। तो वहाँ पे मेरे को मौका मिला, वहाँ पे रमेश खड़ा हो गया था जी, और राकेश कलोई और राकेश सोरान और ये सुमित साथरोड़ और 2-3 कलाकार और थे, 7-8 पार्टियाँ थी वहाँ, मेरे को मौका दिया गया और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा मेरा वहाँ पे। कमेटी ने मेरे को वहाँ जो साधन देवा जो खर्चा था उसके अलावा मेरे को 1100 रुपये अलग से दिए थे, मतलब अच्छा जी जी। तो आप कभी रनकाट मुकाबला ऐसा किया? हाँ जी, रनकाट मेरा वहाँ से दयानंद आसरा खेड़ी के साथ 2-3 बार हुआ। वो एक प्रोग्राम तो रिकॉर्डिंग नहीं है, फरीदाबाद में प्रोग्राम था, वहाँ पे भाई आज़ाद खंडा खेड़ी था, वहाँ पे राकेश करोई, मीनू चौधरी, मासी पालेराम और बाली शर्मा जी, वहाँ पे सभी कलाकार थे। वहाँ दयानंद आसरा खेड़ी के साथ मेरा नंबर डाला गया था और रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी वहाँ पे। उसके बाद फिर 2009 के अंदर मेरा प्रोग्राम गांव खेड़ी से में ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे प्रोग्राम हुआ था यहाँ पे,
मास्टर सतवीर जी थे, मेरे परमादरणीय गुरु रणवीर सिंह बरवासनिया जी थे, माझे दयाचंद आसरा दयानंद आसरा खड़े, तो वहाँ मेरा दयानंद के साथ में रन काट गया था, वो रिकॉर्डिंग है। और माझे पालेराम जी के साथ भी मेरे को गाने का मौका मिला था भर्ती होने से पहले। मेरे गाँव में कई प्रोग्राम पालेराम जी के हुए, तो माझे पालेराम जी ने भी मेरे को काफ़ी सराहा, अभी बहुत अच्छा गाता है। तो दो दो तीन तीन राग जो मेरे को कई बार मौका दिया है जी। हाँ, तो उसके बाद आपने ये लेखन में कैसे कार्य आपने कौन कौन से किस्से लिखे? किस्से मैंने लिखा, सबसे पहला मेरा किस्सा है 1857 के महान स्वतंत्रता सेनानी और शहीद राव तुलाराम जी रेवाड़ी के जो राजा थे, उनका मैंने किस्सा बनाया। सबसे पहला किस्सा था मेरा वो जी, वो किस्सा मैंने ओन ड्यूटी रहते हुए 1993 में तैयार किया था जी। उसके बाद में मेरे को महाराणा प्रताप की एक जीवनी मिली कहीं से, तो फिर मैंने महाराणा प्रताप का किस्सा तैयार कराया। ये मेरे दो किस्से 1993 में तैयार किए थे, और 1995 के अंदर सुपर टॉन एक कैसे लगा करती जी, उसमें मैंने ऑडियो रिकॉर्डिंग किया था। तो ये महाराणा प्रताप का तो ऑडियो का मास्टरपीस मेरे पास आज भी है। राव तुलाराम जी का वो ख़राब हो गया किसी काम में, काफ़ी दिन हो गए थे जी जी। हाँ, उसके बाद में मैंने किस्सा तैयार किया एक कैप्टन पृथ्वी सिंह डाकर जी, जिन्होंने 1965 के अंदर शहीद हुए थे और वीर चक्र मिला था उनको जी जी। हाँ जी, उसके बाद एक किस्सा मैंने तैयार किया था मेजर होशियार सिंह राठी ये दैया, जो कि ब्रिगेडियर के पद से बाद में रिटायर हुए, उनको परमवीर चक्र मिला था जी जी 1971 की लड़ाई में जी। हाँ जी, एक जो ना अपने महाशय दयाचंद जी ने भी ब्रिगेडियर होशियार सिंह का किस्सा बना रखा है, वो है सांको गाँव से ब्रिगेडियर होशियार सिंह राठी, और ये है सिसाना गांव से सुसाना गांव से जी जी। हाँ, झाके मान पंडित मान के एक किस्सा उनका तैयार किया। उसके बाद में चौधरी सर चौधरों का किस्सा तैयार किया मैंने, वो ऑडियो में रिकॉर्डिंग किया। उसके बाद में 24 नवंबर 2019 में जो मास्टर सुरेश अरोड़ी और मुनीवर पावड़ा इन्होंने गाया पूरा किस्सा जी जी। उसके बाद में एक किस्सा महाराजा सूरजमल का तैयार किया है मैंने अभी, तो ये 6-7 किस्से मैंने तैयार करे हैं। और 1999 के अंदर बाद उस समय मैंने 21 रागनियाँ कारगिल के ऊपर लिखी थी, वो भाई सुनील दुजानिया की आवाज़ में रिकॉर्डिंग हुआ था, और वो कैसे आज भी हमारे पास उपलब्ध हैं। तो इतना मैंने ये लिखा, मतलब आप तो देश की सेवा करें और किसी भी आप किसी भी देशभक्ति के ही लिखे। हाँ, तकरीबन इसके अंदर ज़्यादा नहीं तो 90% मैंने वीर रस की रागनियाँ ही तैयार कर ली है। हाँ जी, एक फौजी को अपना वीर रस ही पसंद होता तो आपने वही किया। बिल्कुल बिल्कुल, कोई टीस जो आपके मन में रह गई? नहीं, देखो टीस तो ये है कि जिस समय एक मैं पढ़ता था वो समय मेरे को आज भी याद आता है। अब मैं वहाँ बहुत बड़ी गलती कर गया, मेरा वो टर्निंग पॉइंट था। उस समय मेरे को ज़्यादा नहीं तो 300-400 रागनियाँ याद थी, और मेमोरी भी एक ऐसी थी कि मैं एक बार रागनी के कापी के अंदर किताब में पढ़ कर रागनी को पढ़ दिखाया था एक दो बार, तो मेरे को बाई हाट याद हो जाती थी। और उस समय पहला कंपटीशन हुआ था सोटी के अंदर, उसके बाद एक कंपटीशन है बादली के अंदर, तो बादली के अंदर जो कंपटीशन हुआ था उसमें रमेश कलावड़िया और एक डिग्गल का एक कलाकार था, उसका मेरे को नाम याद नहीं आता, उसने एक रागनी गाई थी समीदार त्राहाल में। उस कंपटीशन के अंदर मैंने दो रागनी गाई थी, तो वो मेरा टर्निंग पॉइंट। मैं इसलिए कहता हूँ मैंने इस लाइन को अपना एक व्यवसाय नहीं बना के मैंने अपना एक शौक तक सीमित रखा। हाँ जी, तो अगर मैं उस समय इस लाइन से समर्पित हो जाता तो आज मैं भी एक मार्केट का जी जी। हाँ जी, तो श्रीमान जी आप
हरियाणा राज्य की संस्कृति को बचाने के लिए क्या संदेश देना चाहता हूँ? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, अब जो आज सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया के ऊपर जो एक दो भाई अपने आप को ज़्यादा सुपर टूपर बनाने की कोशिश करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं अपने मुँह से, वो ऐसे सुपर टूपर नहीं बनेंगे। सुपर टूपर बनेंगे ग्राउंड के अंदर, जनता उनको सुपर टूपर बनाती है, न कि मीडिया के अंदर। और एक दूसरे की जो चीटा कसी है, अपने अनुभव दिखाना स्टेज के ऊपर, एक नया कलाकार अगर ऐसा गा देगा मेरे को नहीं आता तो मेरी इज्जत नहीं करती है, मेरे गुरु जी ने बताया मेरे को ये बातें, अगर मेरे को रंग नहीं आता तो मैं खड़ा होकर कह दूँ मेरे को रंग नहीं आता भाई, इसमें मेरी बेइज्जती नहीं होती है, क्योंकि सभी रंग और ये सभी रंगियाँ हर कलाकार को कभी नहीं आती, क्योंकि एक कलाकार किसी भी रंग को तैयार करके लेके आता है वो उसमें समझ आता है, दूसरा कलाकार उसी तर्ज को एट ए टाइम उसमें लगाना होता है, तो जरूरी नहीं है वो उसके बराबर गाए, तो उसके सामने खड़ा होके नए कलाकार को दबाने की कोशिश की जाए। अब मेरा 15 साल का अनुभव है, मैंने ऐसे ही 15 साल निकाल दिए भाई, आप अपनी कलाकारी दिखाओ, अगर आपको उसका रंग नहीं आता तो सीधा हाथ जोड़ो जनता के सामने, अभी मेरे को रंग नहीं आता तो उसमें किसी की इज्जत नहीं करती। तो इस तरह से संस्कृति एक अलग रास्ते पर जा रही है, क्योंकि सीनियर कलाकार एक जूनियर को दबाने की कोशिश कर रही है, और जिससे जब जूनियर ऊपर उठ के नहीं आएंगे तो एक संस्कृति कहाँ से बचेगी? बिल्कुल ठीक है आपने, संस्कृति को बचाने के लिए तो हमें सबने मिल क्या प्रयास करना पड़ेगा, तभी संस्कृति आगे बढ़ेगी। आपने हमारे को इतना समय दिया मोदी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद कौन भाई साहब आपका, और सभी श्रोताओं को दोबारा से मेरी नमस्कार, और आपका पुनः धन्यवाद है जो आप इतना समय निकाल के इतनी दूर हमारे पास यहाँ तक मेरे घर तक आए, इसका अत्यंत से हार्दिक धन्यवाद है। जय हिंद।